पीटीआई के फोर फ्रंट पर जो है या फेस ऑफ पीटीआई रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अ बिट स्कार्ड फेस ऑफ पीटीआई, सॉरी टू से दैट, आई होप यू फीलिंग वेल नाउ। इट्स नॉट अ स्कार्ड, माय, यू टॉकिंग अबाउट माय फेस, हां स्कार्ड फेस, हां। नहीं मिला आप, क्या अपडेट है उसके ऊपर? कुछ भी नहीं, वी शुड नॉट कॉल देम द वर्ड। ऐसे काम करवा के मुल्जिमों को पकड़वाया नहीं जाता, बचाया जाता। राइट, सो ओके, सो लेट्स फॉरगेट इट। आपने तो पहले ही कहा था कि आपको उम्मीद नहीं है। मैंने कह दिया था। तो यू आर ओके विद इट। सो कमिंग टू द प्रॉब्लम्स इन द पार्टी, ये तो वही ट्रैप है कि रिजाइन कर दो, जिस जो आप लोग कर चुके हैं पार्लियामेंट से, जो कि मेरे ख्याल से सही फैसला नहीं था। ये उस तरफ क्यों जा रही है पार्टी दोबारा? कोई रेजिग्नेशंस नहीं होंगे पार्टी में, ये सब पार्टी के लोग हैं, पार्टी में रहेंगे। और अगर कुछ किसी के छोटा मोटा कोई स्ट्रैटेजी के ऊपर कोई इख्तलाफ है तो वो पार्टी के फोरम्स के ऊपर बैठ के डिस्कस करके उनसे उनको हल किया जा सकता है। कोई बंदा, ये सब हमारे हरावल दस्ते के दोस्त बच्चे हैं, सब लोग हैं, और कोई कहीं नहीं जा रहा। खान साहब को एक साल हो गया ना, देखिए खान साहब, मैं भी अपसेट हूँ, अब मेरा रिस्पांस डिफरेंट है। मैं आपके पास बैठ के अपना नैरेटिव बयान करूँगा, वो हर बंदे का अपना अपना रिस्पांस होता है। हम सब अपसेट हैं, एक साल से वो बेगुनाह शख्स जो है उसको जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और जिस हालात में रखा हुआ, आज मैं मिल के आया हूँ उनके साथ। क्या मतलब, अच्छा, केस के फैसले के बाद आप पहले मिले जिस तरीके से उसके ऊपर ये मतलब उसको टॉर्चर कर रहे हैं वर्चुअली, यू नो, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, तो क्या मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ? मेरी रफाकत उस शख्स के साथ, उन्होंने 35 साल की रफाकत मेरी, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, सब पार्टी के बंदे डिस्टर्ब है, हर बंदा डिस्टर्ब है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश का अंदाज वो डिफरेंट हो सकता है, अगर 10 बंदे हैं तो लाजमी नहीं कि 10 के 10 बंदे एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर मुत्तफिक हों, हो सकता है कि जी दो स्ट्रैटेजी, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो है, टॉप प्रायोरिटी, वो खान साहब को बाहर निकालना ही है। कैसे? पार्टी को इकट्ठा रखना, गवर्नेंस भी, क्योंकि या गवर्नेंस के लिए प्रेशर डालना, के पी में आपकी गवर्नमेंट भी है, इसलिए भी तो लोगों ने वोट दिया आपको, सिर्फ इसलिए तो नहीं दिया कि खान को जेल से बाहर निकाले, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जॉब, सो उधर भी तो उतनी इम्पोर्टेंस है। हमारे पास क्या रास्ते हैं, एक सियासी पार्टी होने के नाते हमारे पास क्या रास्ते हैं? हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर एक रास्ता है। हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट को क्विट करने का कोई चांस ही नहीं है, लेट मी अश्योर यू, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर रह के हम अपनी आवाज़ सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कानूनी चारा जो है, हम तमाम कानूनी ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पुरअमन अवामी एहतजाज की ऑप्शन है। 4 महीने से हम लगे हुए हैं अपना ये एहतजाज शुरू करने के लिए, खासकर पंजाब में हमें कोई इजाज़त नहीं मिली है, अब आके हमें 6 तारीख को एक इजाज़त मिली है, जिसमें कि हम डेफिनेटली एक अपना जलसा करेंगे। हमारे तमाम बाकी जो रिक्वेस्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होके इस वक्त हाई कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं, उन्होंने हमें इजाज़त देनी है। फस्ताइयत को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते जो कि इस वक्त पंजाब में हो रहा है, सारे सूबे में उन्होंने 144 लगा दिए। द मोमेंट हमारा एक कन्वेंशन भी होता है, 200 बंदा 400 बंदा भी इकट्ठा होता है, उनको उठा लेते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं। तो इस किस्म के माहौल में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होता है कि जी बैठ के अगर किसी का कोई डिफरिंग ओपिनियन भी है तो वो बैठ के पार्टी फोरम के ऊपर बात करें। यू सेइंग कि हम सब परेशान हैं उनको देखकर, हम पहले दिन से परेशान हैं, बैन शुड नॉट हैव बीन देयर इन द जेल, लेकिन वो उन्होंने क्लियरली कहा है कोई रिलीफ नहीं मांगता, कोई डील नहीं करूंगा। राइट, मैं सुरखरू होकर यहां से निकलूंगा, और जब भी निकलूंगा जितनी देर रखना चाहते हैं रख ले, उनके अल्फाज हैं, मैं बयान कर रहा हूं, कहते हैं मैं इनके साथ कोई डील, कल के शहबाज शरीफ के ऑफर के जवाब में कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन चोरों डाकुओं से बात करें। ये रिजिडिटी नहीं है, देखो रिजिडिटी नहीं है, ये असूल पसंदी है, ये असूल पसंदी है, इस मुल्क में असूल का कत्ल किया गया है, सच का कत्ल किया गया है। ये कौन सा असूल है कि हम आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं करेंगे? हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आर्मी चीफ से भी बात नहीं करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। बाकी हमारी जंग जो है वो कानूनी मैदान में है, वो पार्लियामेंट के अंदर है, एंड इट नाउ होपफुली वेरी सून वो अवामी लेवल के ऊपर होगी हमारी जज। सो यू विल टॉक टू द आर्मी चीफ, ही डजंट वांट टू टॉक टू यू, बट इफ ही डज, नहीं है ना जी, सो यू आर रेडी टू टॉक टू हिम? वी विल टॉक टू हिम, यस वी विल, हमारा दरवाजा खुला हुआ है उनके साथ, मैंडेट चोरों के साथ बात नहीं करेंगे बिल्कुल किसी सूरत में। फवाद चौधरी साहब पुराने लीडर हैं, वापस आए हैं, कुछ कहा है उन्होंने आपके बारे में, जरा देख लें। आई डोंट थिंक आप छोटी सी लीडरशिप है, लेकिन वो कह आपको ही रहे हैं। एक सेंटेंस पे जवाब एंड देन वी मूव ऑन।
घटिया लोगों के साथ इंसान घटिया नहीं होता. आगे चलिए. आज खान साहब ने कहा है कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं होगी. आज भी आज भी कहा है. यू स्पेसिफिकली आज भी कहा है और सब लोगों के बारे में जिनको लॉन्च किया गया है. बट फवाद चौधरी के बारे में स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग फवाद इंक्लूडिंग हिम एंड व्हाट डिड ही से. इनके बारे में कोई बात होगी नहीं. बट ही इज क्लेमिंग कि मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है. Okay, let's move on, please. For God's sake, let's not waste time. They're never coming. My time is very precious. Okay, so but they're never coming back to PTI. Let's move on. एक दफा और फिर कह देंगे they're never coming back to PTI. This is what I have just said. What Khan Saab said. इनके बारे में कोई बात नहीं होगी. बात ही नहीं होगी. अभी नहीं होगी या कभी भी नहीं होगी. I am not. Okay, मैं खासा वक्त जाया कर चुका हूं. छोड़ दे पुरानी पीटीआई को, छोड़ दे. I can see you visibly upset about that, but मोहम्मद जुबैर तो पीटीआई के नहीं है, वो तो पीएमएलएन के हैं. अगर वो आते हैं तो विल ही बी वेलकम. सब खान साहब ने फैसले करने हैं. देखिए मैं बार बार आपको कह चुका हूं वो को पार्टी में थे ही नहीं. अगर वो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है, लेकिन वो पार्टी के चेयरमैन साहब ने डिसाइड करना है कि जी लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो कब लेना है, नहीं लेना तो क्या करना है. किससे नेगोशिएट कर रहे हैं वो? कोई होगा नेगोशिएट नहीं हो रही कोई. उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया किसी को, दैट इज इट. अच्छा, अभी इसके ऊपर पार्टी की सीसी पे डिस्कशन होगी या ओनली खान साहब? खान साहब द सोल प्रेरोगेटिव जो है वो उनके पास है, खान साहब के पास. राइट. सो अब अभी आपने कहा कि हम बहुत सख्त डिप्रेस्ड हैं. व्हाट्स गोइंग ऑन? डिप्रेस्ड नहीं है, हम लोग डिस्टर्ब्ड हैं. द वर्ड इज डिप्रेस्ड. डिस्टर्ब्ड सीइंग के खान साहब इज देयर, हैज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. और आज जो इद्दत का इन्होंने जो फैसला दिया, क्या वो मतलब किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री के ऊपर ये मुकदमा भी बन सकता है? I mean, what kind of a shameful act is this? It's unfortunate. It's so bloody unfortunate. हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद पेश हुई, उसमें पाकिस्तान के इलेक्शन में जो बेकायदगियाँ हैं और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से बात उन्होंने की. इस बात ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मौकफ़ की तायद करती है, लेकिन आपका जो मौकफ था कि अमरीका की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, उससे कोइंसाइड नहीं करती है? देखिए अमेरिका एक डेमोक्रेसी भी है. अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हो सकते हैं और वो मुख्तलिफ मुल्कों को उस स्ट्रेटेजिक मैप में रख के एवेलुएट करते हैं कि किससे हमने क्या काम लेना है, किसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है. ये ज़रा चीज़ें जो हैं ये सोचने वाली होती हैं. वो एक साइड है. इसके अलावा उसके साथ साथ अमेरिका एक डेमोक्रेसी भी है, एक जमहूरियत भी है, एक बड़ी पुरानी जमहूरियत है, बल्कि द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. राइट. ठीक है. तो वो उनके अपने जमहूरियत के कुछ तकाजे भी हैं, इसलिए कांग्रेस में गया हुआ ना. ये 98.2% पीपल लोगों ने ये सपोर्ट किया, कांग्रेस में ने ये सपोर्ट किया. ठीक है जी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने, और दर्जनों किस्म के उन्होंने मसाइल, वो तमाम चीज़ें जो हम वक्तन फवक्तन कहते रहे हैं, वो उन्होंने उनको टेस्टिफाई किया है. तो एक जमहूरियत होने के नाते हम वैल्यू करते हैं अमेरिका की इस कमेंट को, अमेरिकन कांग्रेस के इस कमेंट को, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एक जमहूरियत होने के नाते जो जो यूके की हाई कमिश्नर थी जेन मैरियट ने, जब उन्होंने आसमा जहांगीर कन्वेंशन के ऊपर बात की थी, तो उन्होंने भी ये तमाम बातें की. जस्टिस नाराज होकर उन्होंने लेटर लिखा था, वेरी वायलेटेड इज ओथ ऑफ ऑफिस. आपने कहा था नहीं लिखना चाहिए था. यू सेड इट ऑन माय शो. ही वायलेटेड हिज ओथ ऑफ ऑफिस. बट आई थिंक इट लैंड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वन ऑफ दीस डेज. बट हम इनको जमहूरियत होने के नाते हम इनके कमेंट को वैल्यू करते हैं. इसके अलावा आप देखिए फाफन की रिपोर्ट देखिए, पतन की रिपोर्ट आप देखिए उसमें. इसके अलावा आप ईयू जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी रिपोर्ट देखिए. उसके अलावा कॉमनवेल्थ रिपोर्ट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स. यू विल इफ यू कम इन द गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स. आप नाराज थे कि हमारे एमएनए इसको बुला के क्यों मिल रहे हैं? बिल्कुल गलत किया था उन्होंने. फिर भी तो वो शायद उनका ओपिनियन ही जानना चाह रहे हो. उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे उस वक्त. उनका ऑब्जेक्टिव था कि खान साहब को निकालना है, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान को एक नई क्रेडिबल पहचान दे रहे थे. वो एक्सेप्टेबल नहीं था बहुत से लोगों को, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को. सो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना. लेट्स बिलीव व्हाट यू आर सेइंग. लेट्स से फॉर आर्गुमेंट सेक. सो अब उनको कबूल है क्या पीटीआई इमरान खान? अब उनको कबूल है? मैंने कहा ना कि एक मुल्क की वेरियस फैसेट्स होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. फैसेट्स होते हैं. अब एक उनका स्ट्रेटेजिक फैसेट था
जिसमें खान साहब फिट नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उनको जो भी किया जैसे भी किया खान साहब की गवर्नमेंट को डिसमेंटल कर दिया। ये उनका एक डेमोक्रेटिक फैसेट है। तो ये मुख्तलिफ इसके तकाजे होते हैं, जमहूरियत उनको बहुत अजीज है, जमहूरी मुल्क है ये। स्ट्रेटेजिक फैसेट स्टिल डज नॉट वांट यू कि वहाँ कोई तब्दीली है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनी तब्दीली क्योंकि हमारा तो उनसे कोई राबता नहीं है ना। एंड लेट्स से कि एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होती है इलेक्शन के बाद, जो शायद सईद साहब ने खुलकर ही कहा कि दुरानी साहब ने भी कहा कि अगर वहाँ पे आते हैं रिपब्लिकन्स तो बहुत चांस है कि पीटीआई पाकिस्तान में आ जाए। इज दैट अ पॉसिबिलिटी और इज देयर रेलेवेंस टू दैट? देखिए हम खुद अपने तई यहाँ आना चाहते हैं, हमारी हुकूमत को गलत तरीकों से निकाला गया था, इलेक्शन 8 फरवरी का हम 2/3 अक्सरियत से जीते हुए हैं, हमारा राइट है इस मुल्क में हुकूमत करना, हम किसी के क्रचेस के ऊपर नहीं आएंगे, वो रिपब्लिकन्स हों या वो डेमोक्रेट्स हों या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो दुनिया के किसी और मुल्क के ऊपर, हम अपनी अवाम की ताकत की बेसिस के ऊपर हुकूमत में आएंगे।